नायब मुख्यमंत्री अने जारे मनीष सिसोदियाए बुधवारे भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगावता कह्युं के अरविंद केजरीवाल नी हत्यानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। सिसोदियाए कह्युं के बीजेपी केजरीवाल ने हरावी सकती नथी तेथी मारवा मांगे छे। सिसोदियाए दिल्लीना मुख्य प्रधानना आवासनी बहार बीजेवायएमना विरोधने केजरीवालनी हत्यानो प्रयास गणाव्यो अने कह्युं के ते पूर्व आयोजित हतुं। दिल्लीना नायब मुख्यमंत्रीए मुख्यमंत्रीना घर पर हुमलानो दावो कर्यो अने कह्युं के पंजाबमां आम आदमी पार्टी अने आपनी जीत अने भाजपनी हारने कारणे भाजपे केजरीवालने मारवा मांगे छे। पोलीस जाणी जोईने भाजपना गुंडाओने सीएम केजरीवालना निवास स्थाने लई गई। तेओए सीएम आवासनी सामेना सीसीटीवी कैमरा अने अवरोधो तोड़ी नाख्या हता। वास्तवमां भारतीय जनता पार्टीना मोर्चाना कार्यकरो केजरीवाल ना द काश्मीर फाइल्स परना तेमना निवेदन ने विरोध में तेमना निवास स्थाने पहुंची विरोध कर्यो हतो। आ दरमियान कामदारों बेरियर तोड़ीने गेट सुधी पहुंचिया अने काला रंगना गेट पर लाल रंग लगाव्यो। सीसीटीवी ने पण नुकसान थयुं। घटना सीसीटीवी फूटेज में पण सार्वजनिक करवामां आव्या। बीजेवायएमना कार्यकर्ताओं गेट पर पेंट लगावता अने हंगामो मचावता जोवा मळी रह्या छे। तो पोलीसे 70% जेटला कार्यकरोनी अटकायत करीने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके आज जाहिर सी बात है बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी।